हेलो एवरीवन, माय सेल्फ रवि कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। आज हम बात करने वाले हैं थियोडोलाइट के बारे में। थियोडोलाइट सर्वेइंग का सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, जिसे ऑपरेट करने में स्टूडेंट अक्सर कर डरते हैं। तो आज हम थियोडोलाइट के बारे में जानेंगे कि थियोडोलाइट के क्या क्या पार्ट्स होते हैं और उन पार्ट्स का क्या क्या काम होता है। थियोडोलाइट को हम बहुत सारे काम के लिए यूज़ करते हैं, लाइक हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करने के लिए, वर्टिकल एंगल मेजरमेंट करने के लिए, कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए, कर्व बनाने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट की वर्टिकल हाइट निकालने के लिए। इनके अलावा भी थियोडोलाइट को हम बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये है आपके सामने थियोडोलाइट। आज हम जानेंगे कि थियोडोलाइट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ये ट्राइपॉड है जिसके ऊपर हम थियोडोलाइट को एस्टेब, उसके बाद ये जो पॉइंट है इसे हम बोलते हैं बेस ऑफ ट्राइपॉड। उसके ऊपर क्या हमारा थियोडोलाइट हेल्ड किया जाता है। तो ये थियोडोलाइट की नीचे वाली प्लेट है, उसे हम बोलते हैं लोअर प्लेट या ट्राई वेट। अब हम स्क्रूज की बात करते हैं। इनको हम लेवलिंग स्क्रू या फुट स्क्रू बोलते हैं। इसकी हेल्प से क्या करते हैं, हम थियोडोलाइट के बबल को सेंटर में लेके आते हैं। लेवलिंग का कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, उनके अंदर क्या है, बबल आपको देखने के लिए मिलेगा, और जब तक बबल सेंटर में नहीं होगा वो इंस्ट्रूमेंट रीडिंग ठीक से नहीं ले सकते। ये जो प्लेट आप देख रहे हो इसे हम बोलते हैं ट्राई ब्राच। ट्राई ब्राच या अपर प्लेट इसका नाम है। पूरा जो थियोडोलाइट हमारा बेस प्लेट की हेल्प से ट्राइपॉड के ऊपर एस्टेब्लिश होता है, और इन तीनों को कंबाइंड फॉर्म में हम बोलते हैं लेवलिंग हेड। और इसकी हेल्प से पूरा इंस्ट्रूमेंट का जो वेट है वो ट्राइपॉड के ऊपर ट्रांसफर किया जाता है। ये आपको दो स्क्रूज दिख रहे हैं, एक थोड़ा अप है एक डाउन है। इन दोनों को हम बोलते हैं क्लैंप स्क्रू। ये थोड़ा डाउन है इसलिए हम इसे बोलेंगे लोअर क्लैंप स्क्रू, ये थोड़ा अप है तो इसलिए इसे हम बोलते हैं अपर क्लैंप स्क्रू। दोनों का काम क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट को फिक्स कर। उनके अलावा ये दो स्क्रू और हैं जो एक ही लेवल पर हैं, एक ये स्क्रू है इधर और एक स्क्रू ये है इधर। इनको हम बोलते हैं स्लो मोशन स्क्रू या टेंजेंट स्क्रू या फिर फाइन टेंजेंट स्क्रू। ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को टारगेट करते हैं तो स्लोली मूवमेंट देने के लिए इन स्क्रू का हम यूज़ करते हैं। एक स्क्रू इसमें होता है हमारा ऑब्जेक्ट को स्लोली हमें टारगेट करना है तब हम मूव करेंगे। एक होता है जब हमें 0-0 एग्जैक्टली वर्नियर और मैन स्केल पर करना होता है तब हम दूसरे वाले का यूज़ करते हैं। ये जो है हमारा, इसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सर्कल। हॉरिजॉन्टल सर्कल के अंदर मैन स्केल और वर्नियर स्केल होता है, और जो थियोडोलाइट का साइज भी इसी सर्कल के डायमीटर के हिसाब से स्पेसिफाई किया जाता है। तो इसके अंदर आप देख सकते हो एक स्केल ऊपर है जिसे हम वर्नियर स्केल बोलते हैं और अपर स्केल भी बोलते हैं, एक स्केल डाउन साइड में जिसे हम लोअर स्केल या फिर मेन स्केल भी बोलते हैं। अब इन रीडिंगों को देखने के लिए ये मैग्नीफाइंग ग्लास लगे हुए हैं, क्योंकि हम नॉर्मल आई से इन रीडिंग को नहीं देख सकते क्योंकि डिवीजन काफ़ी छोटे हैं। तो देखने के लिए क्या करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास लगे हुए हैं जिसकी हेल्प से जो रीडिंग हमें बड़ी दिखती हैं और क्लियर दिखती हैं। दोनों साइड में हमारे मैग्नीफाइंग ग्लास लगे हुए होते हैं। ये क्या है, इसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल प्लमेट। ये थियोडोलाइट में क्यों लगाया जाता है, इससे क्या है, हम सेंटरिंग करते हैं थियोडोलाइट की। थियोडोलाइट की सेंटरिंग हम कई तरीके से कर सकते हैं, ऑप्टिकल प्लमेट से कर सकते हैं। अगर हमें ऑप्टिकल प्लमेट नहीं यूज़ करना तो हम प्लम्बॉब को इसके सेंटर से हैंग करके भी हम इसकी सेंटरिंग कर सकते हैं। उसके अलावा कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से ड्रॉप करा करके भी हम इसकी सेंटरिंग कर सकते हैं। तो ये जो है मेनली सेंटरिंग के लिए हमारा ऑप्टिकल प्लमेट यूज़ होता है। यहाँ क्या है, हमारी जो लाइन ऑफ साइट जाती है और यहाँ इस तरीके से 45 डिग्री पर एक मिरर लगा हुआ होता है जो हमारी लाइन ऑफ साइट को रिफ्लेक्ट करके सीधा ग्राउंड पर ट्रांसफर कर देता है। यहाँ आप देखिए बबल लगा हुआ है, इसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल बबल ट्यूब। इसकी हेल्प से क्या करते हैं, हम थियोडोलाइट को लेवल करते हैं। जब ये बबल सेंटर में होगा तो थियोडोलाइट हमारी लेवल हो, अगर ये बबल हमारा सेंटर में नहीं होगा तो हमारी थियोडोलाइट लेवल नहीं होगी। ये क्या है, इसे हम बोलते हैं प्लेट लेवल। प्लेट लेवल और इससे स्पर्श होती हुई, टच करती हुई एक लाइन जाती है, उसे हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल। अब आप इसमें देख रहे हो ये यू टाइप की शेप आपको देखने के लिए मिल रही है, तो इसे हम यू फ्रेम बोलते हैं, और इधर आपको ए टाइप की शेप देखने के लिए मिल रही है जिसे हम ए फ्रेम बोलते हैं, इससे हम स्टैंडर्ड भी बोल देते हैं। अब यहाँ पर क्या, ये देखिए स्क्रू लगा हुआ है एक, ये स्क्रू हमारा कब वर्क करता है, जब ये क्लैंप स्क्रू टाइट हो। ये वाला क्लैंप स्क्रू यहाँ पर ये देखिए थियोडोलाइट के वर्टिकल मूवमेंट को रोकने के लिए लगाया गया, ये इसे हम बोलते हैं हम
वर्टिकल क्लैंप स्क्रू। देखिए अभी ये मूव कर रहा है, मैंने इसको क्लैंप किया तो ये मूवमेंट बंद हो गया, तो हमारा वर्टिकल क्लैंप स्क्रू, जब हमारा वर्टिकल क्लैंप स्क्रू टाइट होगा तब हमारा ये स्लो मोशन स्क्रू वर्क करता है। इसको वर्टिकली स्लो मूवमेंट देने के लिए जब हम वर्टिकल एंगल मेजर करते हैं तो हमें इस स्क्रू का यहाँ पर यूज करना पड़ता है। हम अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, ये क्या हमारा, इसे हम बोलते हैं क्लिप स्क्रू। इसका यूज क्या है, जो हमारा अपर बबल है जिसे हम एल्टीट्यूड बबल भी बोलते हैं, इसको सेंटर करने के लिए यूज किया जाता है। एल्टीट्यूड बबल है वो लोअर बबल के हिसाब से ही सेट किया जाता है। जब हमारा लोअर बबल सेंटर में आ जाता है तो अपर बबल भी सेंटर में आ जाता है। लेकिन बाय द वे ये किसी ने परमानेंट डिस्टर्ब कर दिया तो हम क्लिप स्क्रू का यूज करते हैं। ये जो वर्टिकल आर्म है वो हमारे सीधे बबल के कॉन्टेक्ट में रहती है। इस तरीके से देखिए आप इसे मूव कर रहे हैं तो बबल के अंदर भी मूवमेंट होता है। अब ये आप इधर देख रहे हो, इसे हम बोलते हैं फोकसिंग स्क्रू। इससे क्या हम ऑब्जेक्ट को फोकस करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारा दूर है, टारगेट करने के बाद यहाँ से उसे हम फोकस करते हैं, तो ये है हमारा फोकसिंग स्क्रू। इसे हम आईपीस बोलते हैं। ये हमारा क्रॉस हेयर शार्प करने के लिए यूज किया जाता है। जब तक हमारा क्रॉस हेयर शार्प नहीं होगा हम कोई भी रीडिंग नहीं ले सकते हैं। ये हमारे राइफल साइट है, ये ऑब्जेक्ट को टारगेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। ये जो आप पॉइंट देख रहे हो ये ऑब्जेक्टिव एंड है, ये हमारा पूरा टेलीस्कोप है जिसके अंदर लेंस है। लेंस की हेल्प से क्या है हम दूर के ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ये क्या है, वर्टिकल सर्कल, और इसे हम वर्टिकल स्केल भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या है, टी फ्रेम होता है, टी टाइप की शेप होती है, वर्नियर फ्रेम भी बोलते हैं और इंडेक्स फ्रेम भी बोलते हैं। तो यहाँ पर स्केल लगी हुई है वर्टिकल एंगल मेजर करने के लिए। ये देखिए अंदर की तरफ जो है वो हमारा वर्नियर स्केल रहता है और जो बाहर की तरफ है वो हमारा मेन स्केल रहता है। दोनों तरफ वही चीज है, तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास रीडिंग को हमारा मैग्नीफाई करके हमें क्लियर दिखाते हैं। ये क्या हमारा रिफ्लेक्टर लगा हुआ, जब इंस्ट्रूमेंट की हाइट हमसे ज्यादा हो जाए तो हम बबल को नहीं देख सकते, हमें प्रॉब्लम होती है बबल को विजुअलाइज करने में। तो यहाँ हम रिफ्लेक्टर में देख सकते हैं बबल की पोजीशन कि हमारा बबल कहाँ है। यहाँ आप देख रहे हो इसके अंदर दो स्पिंडल होते हैं, एक इनर स्पिंडल एक आउटर स्पिंडल। इनर स्पिंडल से हमारा वर्नियर अटैच होता है और आउटर स्पिंडल से हमारा मेन स्केल अटैच होता है। जब हम इसे ऑपरेट करेंगे तो सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हमें एक्सिस के बारे में डिस्कस करना है, इसके किस ऑपरेशन को क्या कहते हैं, इसकी स्विंगिंग क्या होती है, इसकी ट्रांजिटिंग क्या होती है, इसकी रिवर्सिंग क्या होती है, इसकी एक्सिस क्या होती है, सारी चीज़ों को अभी हमें डिस्कस करना है। तो अभी के लिए इतना ही। अभी मैंने पार्ट्स बताने की कोशिश की, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, कुछ पार्ट्स मिस भी हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो सही लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।